अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन की तैयारियां पूरी हैं। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फिर पदों का ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि शासन स्तर पर परीक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियां लंबित है। 6 माह में बेसिक शिक्षा विभाग लिखित परीक्षा का स्वरूप तैयार नहीं कर पाया है। संकेत है कि अधियाचन के साथ प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। आसास की सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा चयन के लिए प्रबंधन साक्षात्कार करके नियुक्ति करता था। PSC उनका अनुमोदन करते थे, जिससे चयन में उनकी जमकर गड़बड़ियाँ होती रहती थी और लेन देन होकर के नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन योगी सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया। इसके तहत शिक्षक चयन को लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो रही है, जिसकी शुरुआत भी हो चुका है। साथ ही चयन बदलाव हो चुका है तो सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है। सरकार ने चयन नियमावली में यह बदलाव किया है कि परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यह कहते हुए परीक्षा संस्था बनाया कि नया आयोग गठित होने तक वह चयन करेगा। तो जब तक संस्था नहीं बदलता तब तक ये PNP ही कराएगा। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने BSC से मांगा पदों का ब्यौरा। तैयारियां की तेज। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए होगी पहली बार लिखित परीक्षा। पाठ्यक्रम परीक्षा फॉर्मेट अभी तय नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा विमान बेस होगी या अति लघुतरी होगी या लघुतरी प्रश्न पूछे जाएंगे? इसके अलावा भर्ती में चयन प्रक्रिया ठीक वैसे ही हो सकती है जिस तरह से चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अपनाता है। ज्ञात हो कि स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसका अधियाचन अनुरूप रिजल्ट बनेगा। परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कहना यह सब शासन तय करेगी, उसी के हिसाब से परीक्षा कराई जाएगी। अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों का शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द ही 4500 से ज़्यादा पोस्टों पर बातचीत चल रही है। तो ये जूनियर हाई स्कूल में पहले परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन पहली बार परीक्षा कराई जाएगी और परीक्षा का पाठ्यक्रम अभी फॉर्मेट तय नहीं हो पाया है। पहले 1978 संशोधन कर दिया गया है, जिसमें BSC अनुमोदन कर देता था और चयन हो जाता था, लेकिन अब पेपर बिना नहीं हो पाएगा।